What is a visa? Visa is an entry permit in a passport. Right. Visa is an entry in the passport. What does this entry represent? ये दिखाता है कि जिस देश में हम जा रहे हैं, जिस देश का वीजा, जिस में अवैध रूप से हम घुस रहे हैं. Right. What information is provided in the visa? उसमें वीजा के अंदर में जिस देश में जा रहे हैं, उस देश का वैलिडिटी पीरियड कितने समय के लिए जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, उस देश का वो टेम्परेरी रहता है वैलिडिटी. Right. Which officer has the final say regarding entry into a country? Immigration officer. Right. How does the visa system help immigration officer? ये उनको ये देखने में मदद करता है कि उस कंट्री में कितने यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं और कितना उसमें किस देश से कितने यात्री आ रहे हैं, ये उनको सिस्टम देखने में मदद करता है. Right. What information does the travel agent need for a passenger visa? उनको ये पता करना होता है कि वो कौन सा सिटीजन का है, किस देश का नागरिक है और वो कहाँ जाना चाहता है, किस देश में जाना चाहता है, कहाँ अंत जर्नी करना चाहता है और कितने स्टॉपओवर है, कितने नॉन-स्टॉपओवर है, ये देखना चाहता है. Right. Why is it necessary for the travel agent to know which passport the passenger has? क्योंकि हर एक पासपोर्ट में वीज़ा का नियम अलग अलग होता है, इसलिए करके. Right. Which rule related to the visa required to be checked? Entry or transit. Right. Why is it necessary to check the rules of entry and transit? क्योंकि एंट्री के नियम अलग हो सकते हैं किसी देश में और एग्जिट के नियम अलग हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं दोनों के नियम उसमें. Right. Why is it necessary to investigate regarding a transit? क्योंकि ट्रांजिट का हमें ये पता होना चाहिए पैसेंजर के ट्रांजिट की वैलिडिटी कितनी है और उस देश में ट्रांजिट करने का समय क्या कितना दिया गया उसको देखना पड़ता है. दोबारा कैन रिपीट द क्वेश्चन. Why is it necessary to investigate regarding a transit? क्योंकि जिस देश में ट्रांजिट वीज़ा का वैलिडिटी टाइम दिया रहता है उस स्टेट्स वो जो यात्री के पास कितना टाइम है वो टाइम देखना पड़ता है क्योंकि उस टाइम से वो मैच करता है, पहले यात्री के एग्जिट टाइम को देखना पड़ता है, ट्रांजिट टाइम को. राइट. रॉन्ग. इफ द पैसेंजर टाइम टू चेंज द एयरप्लेन इन द सेंट्रल सिटी इज मोर देन द अलाउड देन इन दैट केस विच वीजा विल हैव टू बी रिक्वेस्टेड? विजिटर वीजा. राइट. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड? पैसेंजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Right. What is the responsibility of the traveler to obtaining the necessary documents for the foreign travel? Traveler agent की जिम्मेदारी होती है कि passenger को current up to date जानकारी दे ताकि वो विदेश जाने के बाद उनको कोई दिक्कत ना हो सके. Right. What is the exit permit? Exit permit देश छोड़ने अगर यात्री देश छोड़ना चाहता है तो उसको exit permit देना पड़ता है. Right. When can the exit permit be required? जब यात्री अपना देश छोड़ना चाहता है तब इसको जरूरत पड़ती है इस वीजा. राइट. हाउ कैन द एग्जिट परमिट बी नेसेसरी फॉर फॉरेन सिटीजन? जो फॉरेन सिटीजन यात्री हिंदुस्तान में रहते हैं और उनको जब हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ता है तब उनको एग्जिट परमिट वीजा की जरूरत पड़ती है. राइट. व्हाट इज री एंट्री परमिट? जब यात्री अपने देश आना चाहता है तो उसको री एंट्री परमिट वीजा की जरूरत पड़ती है. व्हाट इज अ शेंगेन वीजा? सेंजिंग वीज़ा 1995 में ये रिक्रूटमेंट किया गया था जिसमें यूरोपीय संघ के देश को लिया गया था क्योंकि ताकि वो सारे यूरोपीय संघ के देश के अंदर में बॉर्डरलेस यात्रा कर सके. राइट. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द शेंगेन अग्रीमेंट? इसका ये अग्रीमेंट का मतलब होता है कि यूरोपीय शेंगेन वीज़ा के अंदर में जितने भी कंट्रीज आते हैं उस देश में से किसी भी एक कंट्री का अगर यात्री वीज़ा लेता है तो उन सारे कंट्रीज में घूम सकता है. राइट. How many countries can one travel within and between several countries in Europe with a Schengen visa? 23. Right. Where one can get a tourist card? From tour operator or travel agent and consultant. Right. Is there any fee for issuing a tourist card? Yes. What kind of authority does the tourist card holder get? ये उनको ये टूरिस्ट कार्ड होल्डर से यात्री एक बार किसी कंट्री में जा सकता है उस टाइम पीरियड के लिए और चाहे तो उस वैलिडिटी को बढ़ा भी सकता है. राइट. हु इज इशूड अ ट्रांजिट वीजा? ट्रांजिट वीजा उनको दिया जाता है जो अपने या किसी दूसरे देश में जा करके तीसरे देश का या हवाई जहाज पकड़ना चाहते हैं दूसरे देश में जाने के लिए वो हवाई जहाज चेंज करते हैं उसको ट्रांजिट परमिट वीजा कहते हैं. ठीक है. राइट. What is the transit without visa? किसी देश में जिस देश में
यात्री हवाई जहाज दूसरे तीसरे देश हवाई जहाज पकड़ने के लिए जाता है, दूसरे देश में जाता है लेकिन दूसरे देश में वीजा नहीं लगता है तो उसको कहते हैं ट्रांजिट परमिट। दोबारा बोल। तीसरे देश में जाने के लिए यात्री को दूसरे देश में जाकर वीजा नहीं लेना पड़ता है, बिना वीजा के दूसरे देश में जाकर के यात्री तीसरे देश जा सकता है तो उसको कहते हैं राइट। व्हेन कैन ए ट्रांजिट वीजा बी ग्रांटेड टू द सिटीजन ऑफ सम कंट्रीज। सॉरी रॉन्ग। वट इज द वैलिडिटी ऑफ ए ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा की वैलिडिटी नहीं होती है, ये हर एक देश पर निर्भर करता है। राइट। वट इज द वीजा वेवर प्रोग्राम। वीजा वेवर प्रोग्राम ये 90 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें कि यात्री यात्री यात्रा करने के लिए आ सकते हैं और व्यापारी व्यापार करने के लिए आ सकते हैं। राइट। वट इज द कंडीशन मस्ट बी फॉलोड फॉर ए बिजनेस वेवर प्रोग्राम। इनमें ये शामिल होता है कि यात्री हवाई जहाज के रास्ते से आ सकता है, पानी के रास्ते से आ सकता है, लेकिन उनके पास रिटर्न बैक का टिकट होना चाहिए। राइट। व्हाट इज अ विजिटर वीजा। विजिटर वीजा अपने यात्री किसी भी गवर्नमेंट अपने देश में आने के लिए जो अनुमति देती है उसको विजिटर वीजा कहते हैं। राइट। विजिटर वीजा ग्रांट द राइट टू ऑफ एंट्री टू ए पासपोर्ट इन अनदर कंट्री बट इट What circumstances is this possible? Immigration officer को satisfy करना पड़ता है। Right. What are the condition to be followed to get a visitor visa? Sorry. Wrong. To whom do business visa become available? ये व्यापारियों को available कराया जाता है जो हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आना चाहते हैं। Right. What will they have to do with the organization they want to do business or for business visa?